ये मेरा फेवरेट है और पापा जी ना स्पेशली मेरे लिए लेके आए, बोला कि तुम खा के थोड़ा डोले सोले ऐसा बनाओ फिर मम्मी जी के साथ ऐसे भी जाओ। कैसे भी होगे देखो थोड़ा कैसे हो कैसे। हां मैं कभी भी जाने नहीं हुआ, मेरा बॉडी बनना है। फिर ये चिकन, हां इसमें ना 3 केजी है, 3 केजी चिकन, 3 केजी 200 है। ठीक है गाइस देखिए चर्बी फुल। जय हिंद गाइस, कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप लोग एकदम ठीक है। तो आज भी हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आए हैं। तो देखिए मम्मी जी भी बहुत खुश है क्योंकि आज हम लोग का घर में मेरी मम्मी डैडी और भैया आने वाले हैं। तो हम लोग सुबह से बहुत बिजी है क्योंकि आज बिरयानी बनेगा। तो गाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जो पुराने मेरे फ्रेंड्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग का ब्लॉग कैसे बनते हैं वो भी कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस देखिए रानी आज पूरा बिजी है, भैया मम्मी डैडी आने वाले हैं रानी का। तो पापा क्या लेके आए सुबह मम्मी के लिए? ग्रीन टी लेके आए हैं, ग्रीन टी, खीरा, सलाद बनेगा ठीक है। और हो गया चावल 2 केजी है बासमती ठीक है। और स्पेशल मेरे लिए घी लेकर आए हैं, ये वाला घी, ये वाला देखो ये मेरा फेवरेट है और पापा जी ना स्पेशली मेरे लिए लेके आए, बोला कि तुम खा के थोड़ा डोले सोले ऐसा बनाओ फिर मम्मी जी के साथ ऐसे भिड़ जाओ। कैसे भिड़ होगे देखो थोड़ा कैसे हो कैसे। मैं कभी भी जाकर नहीं हुआ। फिर ये चिकन, इसमें ना 3 केजी है, 3 केजी चिकन, 3 केजी 200 है ठीक है। गाइस देखिए चर्बी फुल, फुल चर्बी है, ये ना ये दवा के खाना है। ये देखो ये वाला पेस्ट ना स्पेशली मैं बिरयानी के लिए मंगाती हूँ, ये अदरक और लहसुन वाला। ऐसे चिकन वो घर में ऐसे नॉर्मल करी बनाने से नहीं लेके आने बोलती, बिरयानी में ना अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर थोड़ा अलग, मतलब एक फ्लेवर आता है, इसलिए मैं बिरयानी के लिए मंगाती हूँ। फिर जाया कितना सामान है उसके अंदर, टमाटर हो गया खाली सलाद के लिए हाँ। तो और इसमें पापड़ है और भी है अंदर, एक पैकेट लेके आने बोली थी, चिल्ली पाउडर हो गया, बिरयानी का कलर हो गया, और इसमें देखते हैं नहीं बिरयानी का मसाला हो सकता है, किशमिश है इसमें ठीक है। और भी घर में है थोड़ा थोड़ा लेके आने बोली मैं, और ये रहा काजू, और इसमें हो गया आपका बिरयानी मसाला। देखिए गाइस अंदाबान में देखिए बिरयानी मसाला ऐसे कैसे देखेगा, ऐसे अभी पेस्ट नहीं हुआ फिर भी कितना सुंदर स्मेल। चिकन मसाला नहीं लेके आया पापा, वो तो मैं भूल गया। अभी क्या होगा, अभी वो प्रकाश को भेज देगा, एक पैकेट लेके आएगा बाजार से। अभी हम कपड़ा धोता ना वॉशिंग मशीन में, पापा जी का ड्यूटी है, मेरा सुबह सुबह ड्यूटी दे दिया तुम्हारा मम्मी, ये कपड़ा धो दो। तो अभी तुम्हारा मम्मी का बात कैसे हम फेंक सकता है बताइए, क्योंकि जिंदगी उसके साथ गुजरता है ना, उसके बात तो मानना ही पड़ता है ठीक है। फिर अभी अभी मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ गाइस आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और आप लोग भी ना कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे बिरयानी पकाते हो, कैसे बनाते हो, मेरे वाला प्रोसेस आपको कैसे लगा वो भी बताना, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। क्या हुआ रानी, ये काटो ना फिर पता चलेगा क्या हुआ पूतोगे। फेस कट रही हो और रो रही हो, बोलो बोलो काटो। क्या खा रहे हो लजन, क्या खा रहे हो, चुप चुप क्यों रहे हो, मैं तो लाने बोली तू किधर है, पल्स खा रहा हूँ, पल्स लेके चले आए, और चॉकलेट किधर है, चिकन मसाला ले लाने बोला ना ये लेके आया, और मैं बोली कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ, मैं खा के आई एक। अच्छा कोई बात नहीं, मेरा वाला फ्रिज में ना बड़ा बड़ा सा है, है कहाँ है दिखाओ तो, मैं भूल गई थी, मेरे को तो मालूम है किधर है, हम भी खाएंगे बाद में। क्या भी अच्छा चीज है, देखिए गाइस मैं ये सब खत्म किया और थोड़ा बचा है ये भी खत्म कर दूंगी, अच्छा दर्जी को नहीं दूंगी, अभी रखो मैं खा लूंगा। मम्मी आलू छील रही है, प्याज छील रही है, इतने इतना दोगे, कितना केजी का बिरयानी होगा, 2 केजी चावल और 3 केजी 200 ग्राम चिकन, क्योंकि चिकन हमेशा ज्यादा रखना बिरयानी में, फिर बिरयानी अच्छा बनता है। तो चलो फिर बनाने के टाइम हम लोग दिखाएंगे कैसे बनाते हैं हम लोग ठीक है। अभी ना चिकन में सब मसाला नमक हल्दी सब मिला के रखेंगे ठीक है, मैरिनेट करके रखोगे,
हाँ, उसके अंदर तक पूरा नमक मिर्च पूरा मसाला ना पूरा अंदर तक जाएगा। नमक हो गया, अभी हल्दी, ये घर का हल्दी है गाइस, हम लोग बाजार से नहीं खरीदते हैं। हल्दी दिखाया था ना हम लोग, हाँ, सुपारी हल्दी का पौधा बागीचे के अंदर भर भर के सुपारी ब्लॉक में जो सुपारी पेड़ लगाया था। अभी नमक हो गया, अभी वो वाला पेस्ट मैं दो डालूंगी, अदरक और लहसुन का पेस्ट खाली बिरयानी में यूज करती हूँ, और जब हम लोग पिकनिक जाते हैं तब वो सब झमेला नहीं करना ना, ये पेस्ट लेके चले जाते हो समुद्र में। हाँ पेस्ट, प्याज एक पेस्ट कर दिले तो वहाँ गिरा भी होगा, वो पैक पेस्ट करना है ना भूल गई, तो अभी इसे थोड़ा दे देती हूँ बाद में दे दूंगी। हो गया प्याज, प्याज लहसुन अदरक और ये और एक दिना है, ठीक है। चिकन ज्यादा है ना, 3 kg से ऊपर है, 3 kg 200 है, तो इसलिए बिरयानी में ना थोड़ा मसाला ना ज्यादा लगता है, फिर टेस्ट होता है। हाँ वो जो चिकन है उसको ग्रेवी बनाना है ना, तो इसलिए। गाइस आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो घर में, मेरे प्रोसेस में बनाते हो कि दूसरा, और मेरे जो मैं जैसे बना रही हूँ आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं वो भी बताना। ये रहा चिकन मसाला, ठीक है ना, अभी उसका ना एक चम्मच चाहिए सत्ता जी। ये हो गया काला मिर्च और जीरा का पेस्ट, ठीक है बस इतना ही दूंगी, और ये रहा चिली पाउडर, घर का मिर्ची है ना। हाँ घर का खरीदा हुआ नहीं है, घर में बनाया मम्मी जी ने, वो जो मिर्ची वो नहीं दिखाया था ना घर में, जो बगीचा है हम लोग का, बस बहुत मिर्ची है उसमें, ज्यादा नहीं देना। ये अदरक का पेस्ट है, अदरक नहीं प्याज का, प्याज ग्रेवी। क्या हुआ एकदम तेज है इसका। अभी काम तुम्हारा, चलो इधर आओ इसको मिलाओ, आओ क्या मिला मम्मी ना। अंडा देखिए गाइस, घर का मुर्गी का अंडा, उसको साफ करना है। और सरदार जी शुरू हो जाता है अभी, हाँ मैरिनेट के लिए शुरू हो जाओ। तो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है। किधर? इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब? हाँ। कैसे? इधर देखो मेरे को समझ में नहीं आया, तुम क्या बता रहे हो? ये मैरिनेट कर रहा हूँ मैं इंडिया पाकिस्तान का, मतलब क्या बोलते तुम? अभी टेस्टी बनेगा, इस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरा जम जाता ना, हाँ। उस तरह ये भी जम जाएगा। वो तुम क्या क्या बोलता चाचा जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने से देखो एक भी चेयर खाली नहीं रहता ना स्टेडियम में, हाँ। तो उस तरह है ये भी, अभी मैरिनेट करूंगा ना तो इतना टेस्ट होगा ना, खाने में मजा आ जाएगा, उस तरह है। अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है, तो तुम अच्छे से मिलाओ, ज्यादा बको मत। हम बकता नहीं, हम काम करता, आप लोग तो फाकी मारते ना। अरे क्या बोलता तुम सरदार जी, चलो आगे का प्रोसेस भी आज दिखाती हूँ। आज मेरा साला आने वाला है, वो इसलिए पूरा जोश में हो क्या? जोश में हूँ। अभी पता चल रहा है, फिर तो अभी 10 महीने बाद आया है भैया, हाँ। तो अच्छा बना के खिलाना ना बिरयानी, शिप का कैप्टन कैप्टन है, सेकंड ऑफिसर है, तो बाबू है, तो अच्छा बना के खिलाना ना। चलो सही है, क्या हुआ आग से पानी आ रहा है? अच्छा मेरे को बोल रहा था ना, मेरे को बोल रहा था ना, आग मजा आ गया एकदम, तेज बहुत तेज है इंडिया पाकिस्तान का। रो दिया सरदार जी, रो दिया गाइस। चलो ठीक है, अभी चूल्हा में चूल्हा के साइड चलो। 2 kg चावल है, इसका 1 डेक्ची हो गया, ठीक है, तो इसका 1 डेक्ची चावल मतलब 2, इसका 2 डेक्ची मैं पानी लूंगी, ठीक है। ठीक है, रानी चूल्हा जला रही है गाइस, देखिए जलाओ जलाओ चूल्हा जलाओ, नहीं हो रहा है, जल्दी जलाओ, देखा चूल्हा में नहीं पकाने से इस तरह होता है। हाँ गैस में पकाता ना खाली, इसलिए गुस्सा है चूल्हा हमसे ना, आज बिरयानी होगा इसलिए उसको कष्ट दोगे ना। काजू किशमिश पहले फ्राई कर लूंगी, ठीक है।
ये जब पूरा गरम करके नहीं देना काजू की शुरू से, एकदम ऐसे कड़क गरम नहीं करना, जल जाएगा। चूल्हा में कमती आग में पकाना ना इसको। थोड़ा लाल जैसा होने का आएगा ना गोल्डन ब्राउन, तब उसको निकालेंगे। किसमें कितना तक जलाना है वो देखा, वो देने का एकदम साथ साथ ऐसे फूल जाएगा, ठीक है, तब इसको निकाल लेंगे, ज्यादा देर नहीं रखेंगे, जलने ना देना। हाँ, जल जाएगा तो टेस्ट नहीं है। टेस्ट मतलब क्या, पूरा एकदम करवा बन जाएगा करेला जैसा। अभी बिरयानी का चावल डालूंगी ना, इसके लिए मैं एक कप सफेद ऑयल लिए है, ठीक है, सनफ्लावर फॉर्चून सॉरी फॉर्चून वाला। अभी जाएगा इसमें घी, कितना चम्मच, आपका मर्जी है, ठीक है, आप जितना दोगे। तो मेरा 2 kg चावल है ना, तो मैं ये चम्मच से 4 पूरा भर के 4 चम्मच ले लूंगी, ठीक है। तो उस पे आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो गाइस सब लोग देख लीजिए कैसे बिरयानी बनाते हैं, रानी आज पूरा सिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से बनाने से आप लोगों को कैसे बनाते पता नहीं, पर हम लोग कैसे अंडमान में जाते थे ऐसे ही बनाते। और ये जो वो जो बिरयानी का जो सबूत मसाला था ना, वो मैं ऐसे हल्का कोट के ऐसे सब थोड़ा थोड़ा लेके रख दिया है, अभी इसे तेल में दूंगी और देखिए इसको थोड़ा हिला लूंगी, ज्यादा फ्राई नहीं करना एकदम, ठीक है, नहीं तो वो जल जाएगा, उसका इसलिए नहीं रहेगा, फिर क्या तेज पत्ती। उसके बाद ये प्याज पूरा डालूंगी जितना रखे, आप इसमें और भी दे सकते हैं, प्याज जितना ज्यादा दोगे ना टेस्ट आता है पूरा, तो मैं आज ज्यादा नहीं लिया है, तो जितना लिया ठीक है। बिरयानी में तो प्याज ही देने से अच्छा लगता है ना। थोड़ा खराब हो गया, अरे कितना तक जलाना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। अभी ना प्याज फ्राई हो गया एकदम बढ़िया सा, अभी इसमें जो काजू किशमिश फ्राई करके रखे थे और थोड़ा जो मैंने मिर्ची लिया है, ठीक है, और दे देंगे कच्चा वाला। हाँ तो फूटेगा अभी उधर, तो हो गया, ज़्यादा नहीं हो फ्राई नहीं करना, और नहीं तो प्याज जल जाएगा। तो अभी जो चावल 2 kg चावल रखे थे डाल दिए हैं, तो अभी इसको पूरा मिलाना है, मैं तो 10 मिनट तक मिलाऊंगी पूरा, उसमें हल्का जल रहेगा ना आज का पूरा नहीं, ठीक है। तो फ्लेम थोड़ा एकदम लो रखना, ज़्यादा लो नहीं, मीडियम से थोड़ा कम। बिरयानी का तो चावल ही मेन है ना। हाँ ये मेन है, इसको थोड़ा सेंट बनाना, उसे सेंट निकल लीजिए पूरा रहेगा चावल। हाँ। अच्छा से बनेगा तो बिरयानी टेस्ट होगा। हाँ। तो इसमें मैं घी बाद में भी थोड़ा ऐड करूंगी मिलाते समय, ठीक है। हाँ। दिखाऊंगी। 10 मिनट तक जलाना हो गया, अभी पानी, ये पानी मैंने गर्म करके रखी थी, उसका नाप भी दिखाया था कि कितना पानी, तो अभी इसको ढक्कन से ढक के रखना है, बीच में एक बार खोल के हिला के उसमें नमक देना है, वो भी दिखाऊंगी। पहले नमक नहीं दिया क्या? नहीं अभी देना ना, बीच में देना, पहले नहीं ऐसे मिला देना। हो गया चावल। हाँ देखिए कितना सुंदर एकदम, एक अलग अलग है। अभी इसमें थोड़ा घी मिलाऊंगी, ऊपर से घी दे के रख दूंगी। कितना चम्मच, थोड़ा थोड़ा देखना। हाँ।
टिगर वाला कलर लिया ग्रीन और रेड, इसको मिला के देखो पानी से। अभी इसमें चावल देखिए मिलाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा चावल, देखिए थोड़ा हो गया। और मैंने चावल इसमें से कम्प्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें चिकन डालूंगी, बिरयानी मसाला सब मिला के स्टेप स्टेप करके जाऊंगी। जैसे कि मैं ये डाला पहले टिगर वाला बिरयानी एसेंस, ओके। ये ज्यादा नहीं देना, एकदम हल्का, एकदम 3-4 बूंद ड्रॉप ऐसा देना, ठीक है, नहीं तो बहुत खतरनाक चीज है। वो मामी दे रहे गरम मसाला, मैं ये थोड़ा जीरा पाउडर डालूंगी, ठीक है, हल्का हल्का ये सब। अभी गया इसमें बिरयानी मसाला, घर में पेस्ट किया, बाजार से वो पाउडर वाला नहीं दिखाया था ना, गोटा मसाला फ्राई करके इसको पेस्ट किया है। ये थोड़ा थोड़ा मीडियम डालने से कुछ नहीं होता, मेरा बात तो। अभी ये थोड़ा कलर याद डालूंगी, हल्का हल्का जब बस थोड़ा मिला देती हूँ। चिकन डालूंगी, ये दोबारा स्टेप हो रहा है ना, तीन स्टेप दूंगी। हो गया ना हमें, बस अभी वो जो पहले जिस जिस डाली थी ना, जो जो चीज दोबारा वो दोहराऊंगी, ठीक है, रिपीट होगा ना। हाँ, रिपीट ये वाला एसेंस, वो 3-4 बूंद, ठीक है। उसके बाद जाएगा मम्मी के पास कलर है, कलर डालो मम्मी, और गया जीरा। गरम मसाला, अभी ये लास्ट फिनिशिंग हो रहा है। हाँ, लास्ट फिनिशिंग, रानी का बिरयानी कंप्लीट बना दिया आप लोगों को लिए। ये देखा, ये जो ग्रेवी है मैं थोड़ा बचा के रखी ज्यादा, क्योंकि इसको नीचे ज्यादा नीचे नहीं देना। वो जो लास्ट स्टेप दिया ना ऊपर वाला स्टेप में ज्यादा दूंगी, क्योंकि नीचे तक वो पहुंच जाएगा एकदम। नीचे डायरेक्ट देने से वो गीला हो जाएगा, ज्यादा देने से ना ऊपर तक वो नहीं आएगा ना, और नीचे गीला हो जाएगा। हाँ, तो गाइस आप लोग भी इस तरह बनाइए, बढ़िया टेस्टी होगा, रानी जैसा बनाइए। रानी के जैसा। और आप लोग आइए, हम लोग बिरयानी बनाया है, अभी खाएंगे आज दबा के, आप लोग भी आ जाइए। हम लोग का घर में फैमिली में ना, दोनों फैमिली में एकदम बिरयानी सबका फेवरेट है, खास करके सरदार। मैं तो खाती हूँ दबा के। मैं क्या देखती हूँ। इतना देर लगता है आने में, कितना टाइम हो गया? इतना कम है दी। हाँ, मम्मी का खाना पकाना था। बैठो, बोलो। बढ़िया हुआ, मजा आ रहा है, ठीक बना। पापा से पूछो, पापा से पूछो। कैसा बना? इतना अच्छा लगता देखो। अच्छा लगता, सुमित कैसा बना? अच्छा बना, अच्छा बना। अब बड़ो बताओ कैसा बना? लाजवाब। लाजवाब हुआ ना। पापा कैसा बना? कैसा बना? चले इसको खा के देखिएगा। बढ़िया, ओह थैंक यू। चलेगा मतलब?
ठीक है खा लो। दिल्ली टू बॉम्बे, दिल्ली दिल्ली टू बॉम्बे। ओके गाइस, तो हाँ सेमिया भी रेडी, तो आप लोग खा लो। हेलो गाइस, तो आपने देखे हैं कि सुबह पापा जी क्या क्या मार्केटिंग करके लेके आए हैं और हम लोग बिरयानी बनाए हैं। तो मम्मी जी एक्चुअली मेरे भैया आए हैं ना, उसी के लिए एक पट्टी रखा था थोड़ा सा छोटा सा एकदम गेट टुगेदर, तो वो हो गया। सब लोग बिरयानी खा के एकदम खुश, बोला कि लल्लन टॉप हो गया। तो मैं भी खा के देखी तो पूरा एकदम भरपूर टेस्टी हुआ था, छाती जैसा बना था एकदम। तो गाइस आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो और अभी ऐसे बने रहिए क्योंकि हम लोग ऐसे कॉमेडी कॉमेडी फनी फनी ब्लॉग बनाते रहते हैं और कहीं घूमने जाते हैं, तो वो भी अब हम लोग बनाते हैं, आप लोग देखें। तो हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सबका भी। मिलते हैं, जय हिंद।